तो फिर से सीकर के खाचरियावास लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है और यहां गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आदरणीय भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया था, मैं आप सबका आज इस समागम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं। मित्रों, समाज जीवन में अनेक लोग जन्म लेते हैं, लाखों साल के इस लिखित अलिखित इतिहास में अनेक चरित्रों ने जन्म लिया होगा और काल के प्रवाह में कहीं ना कहीं समाहित हो गए होंगे। लेकिन राजस्थान की इस धरती में और देश के इतिहास में अनेक लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने उसी जीवन के कालखंड में अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व के ओज से, अपने चरित्र से और अपने कर्तृत्व से ऐसा अपने आप को कालजयी बनाया कि सदियां सदियां बीत जाने के बाद में भी आज हम सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हुए उनका जब भी स्मरण करते हैं तब रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। इस श्रृंखला में जो भगवान राम से लेकर के अब तक की श्रृंखला है, अनेक अनेक लोगों का हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आज जब श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की जन्मशती का अवसर है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां सब एकत्रित आए हैं, मैं ये मानता हूं कि वो जो अध्याय है, जिस अध्याय में इतने लाखों हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, उस अध्याय में एक और नाम आज स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया है। और आज ये विशाल उपस्थिति, मैं देख रहा था गंगानगर के खक्खा इलाके से लेकर के बकासर के रतन सिंह जी तक और सुदूर पूर्वी राजस्थान से लेकर के और दक्षिणी राजस्थान तक के राज कोने कोने से ऐसे लोग जो बिना किसी बुलावे के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी निमंत्रण के केवल और केवल अपने अजीज नेता, अपने प्रिय नेता जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया, जिनसे उन्होंने राजनीति के कख गह सीखी, उसे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ आए। मित्रों, निश्चित ही जैसा राजेंद्र सिंह जी ने अभी विस्तार से कहा कि किस तरह से भैरव सिंह जी ने राजनीति की कह गए अनेक लोगों को सिखाई और राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के अध्याय लिखे,